सर आपका क्या कह रहे हो सोच आपका प्लीज आपके कुछ कमेंट्स उस पे दिलीप साहब जी सर प्लीज एक बार जोरदार तालियां दिलीप सेन साहब के लिए। नमस्कार जी सबको सत श्री अकाल। बैठ जा सर। बात आई है संगीत की तो मैं थोड़ा लंबा बोलना चाहूंगा अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि दुनिया में जब सृष्टि की रचना हुई तो वो संगीत से हुई जिसको हम ध्वनि कहते हैं। और ये मैं इसलिए क्या पहले भूमिका बांधना चाहता हूं कि संगीत हमारे जीवन में क्या है। जैसे सर ने बताया ना कि धुन चलती है, लिरिक्स चलते हैं, वॉइस चलती है। इसके कई उदाहरण मैं दे सकता हूं आपको मेरे गानों से। जब मैंने गाना ओले ओले बनाया था उस वक्त अभिजीत का कोई नाम नहीं था। कैसे बना क्या बना ये अलग कहानी है, पर जब अभिजीत ने वो गाया तो हकीकत ये फैक्ट बात है कि उस वक्त सैफ अली को भी कोई नहीं जानता था, नरेश मल्होत्रा को भी कोई नहीं जानता था, काजोल की भी कोई हिट फिल्म नहीं थी और हमें भी कोई इतना नहीं जानता था कि दिलीप सेन समीशन कौन है। इतना है क्योंकि हमारी 4 पीढ़ियाँ संगीत में। मेरे पिताजी 1935 में आए थे मुंबई में, तो तबला ढोलक, तो तबला बजता था तो ढोलक, डफ और डेरू और मटका जो इंडस्ट्री में लाने वाले मेरे पिताजी जमाल सेन जी और उनके साथ में गुलाम मोहम्मद जी ने उसको आगे बढ़ाया। आप जितने भी गाने 1935 के बाद में जो ढोलक तबले सुन रहे हैं वो देन मेरे पिताजी की रही है। फिर 51 से वो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर हो गए। सन 70 में मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी संगीतकार बने। 90 के दशक में हम चाचा भतीजा दिलीप सेन समीर सेन बने। 2010 से मेरा पोता सोहेल सेन जिसके बाला बाला कई गाने हिट हुए हैं। अब मैं आता हूँ संगीत पे, क्योंकि संगीत नहीं है तो हमारा जीवन निस्वार्थ है, मतलब जिसमें जान नहीं है। और जैसा अभी आपने एक चीज़ कही कि दिखना चाहिए या सिर्फ सुनना चाहिए, मगर मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं संगीत के लिए भी एक बात बोलना चाहूँगा मैं कि अगर बच्चा अगर रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है। हम कितना ही अच्छा गाना कंपोज कर लें, मगर अगर उसको अच्छा लिखा हुआ होगा तो अच्छा कंपोज होगा, अच्छा कंपोज होगा तो उसे अच्छा गाना ज़रूरी है और गाना ज़रूरी है तो वैसा ही अगर पिक्चराइज हो जाता है तो वो गाना बहुत लॉन्ग लाइफ तक चलता है। कुछ ऐसे गाने भी हैं सर, माफी चाहूंगा मैं आपसे, उनका उदाहरण मेरे को इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि 2 गाने चल रहे थे उस दौर में। एक था तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टन 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 टन, ये गाना था। उसके अपोजिट में फिल्म फेयर किस गाने को मिल रहा है, वो ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी। जब फिल्म फेयर दिया गया तो मैंने कहा ये गाने को नहीं मिला, ये T-सीरीज को मिला है। उसने एकता ने T-सीरीज ने वो गाना इतना बजाया कि जिस चैनल से हटाओ तो वहाँ वो बेबी डोल ही सुनाई दे रहा था। मैं जिस गली से गुजरूँ पता चला मेरे स्टूडियो जा रहा हूँ तो वहाँ भी साइड में बज रहा बेबी डोल में सुनी थी। तो ये जो मेरा कहने का मतलब क्या है शॉर्टकट में कि अगर संगीत को जितना प्रमोट करोगे बजाओगे, क्योंकि आज मीडिया इतना फास्ट हो गया है, आजकल हिमेश रेशमिया जैसा सिंगर बन गया है तो आप समझ लीजिए कि अमूमन कोई भी सिंगर बन सकता है। कई जगहों पर तो सलमान जी ने भी गाने गा दिए हैं। आज संगीत का ये हाल हो चुका है। तो मेरा तो ये कहना कि अगर आप लोगों को अच्छा संगीत चाहिए या अच्छा लिरिक्स चाहिए और अच्छा सिंगर चाहिए तो उस हर चीज़ के लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। और जैसे सर ने बताया, मैं इनकी बात से एक बहुत बड़ा कायल हुआ हूँ कि इन्होंने छोटी सी उम्र में ये बीड़ा उठाया कि नहीं यार गीतकार को भी एक ओहदा मिलना चाहिए। वो सेम बात हो गई शोले वाली। पहले जावेद साहब को भी और जावेद अख्तर को भी लोग मुंशी बोलते थे, तो कहानीकार अगर कहानी लाता था तो साइड में डब्बू में डाल देते थे। बट जैसे उन्होंने त्रिशूल दीवार ये सब फिल्में दी, जैसे शोले आ गई तो पता चला कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर से पहला बड़ा नाम आता था सलीम जावेद का। तो ऐसा कोई जलजला अभी तक हमारे राइटरों में नहीं किया, मगर एक लड़के ने किया है, मनोज मुत्तसिर ने। आज मनोज साहब हमारी इंडस्ट्री के एक बहुत ही माने हुए लिरिक्स में हैं और जिन्होंने जो भी गाना लिखा वो सारा हिट हुआ। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों से चाहूँगा कि गीतकार के लिए ताली जरूर दीजिए क्योंकि वो गीतकार है जिसकी वजह से आज कई म्यूजिक हिट हुए हैं। अब आ जाइए मेरी ज़िंदगी में कि शब्द कैसे आते हैं। एक फिल्म की सिचुएशन मैं सुनाना चाहूँगा। एक फिल्म में करना था मेहरबान, मिथुन चक्रवर्ती अपना आयशा जुल्कानी, के रविशंकर उसके डायरेक्टर थे। तो फर्स्ट नाइट में हमारा एक गाना चला गया स्वागरात का, जिसको कहते हैं लेडी संगीत। बोल गोरी बोल जरा इतनी सी बात, चूड़ियाँ खनकती है क्यों सारी रात, क्यों ना होगी खन खन आधी रात को सजन, जब पकड़ेगा चूड़ी वाला हाथ रे। ये गाना नाइट में खत्म होता है, इन द डे में विदिन 3 मिनट्स के बाद में दूसरा गाना आता है। तो रवि जी को मैंने बोला यार इतने गाने चलेंगे नहीं, हम आपके कौन जैसी फिल्म नहीं, अपनी मिथुन चक्रवर्ती है, आयशा दुर्गा है। बोला नहीं मेरी सिचुएशन है उसमें। तो काफ़ी बहस होते होते आखिर में मैंने उनसे पूछा कि भैया अगर पुरानी फिल्म का अगर कोई गाना यहाँ डालते तो कौन सा होता। तो उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया जीवन मृत्यु फिल्म का, वो गाना ऐसा था, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। बोले ये गाना एक्यूरेट मेरी सिचुएशन पे जाता है। वो चले गए तो मेरे साथ बैठी हुई थी अपने दिल्ली की हैं रानी मलिक जी, जिनका काफ़ी गाने नदीम के चले थे, ओ बाबा मिलने को डर करता है। तो उनसे मैंने कहा कि रानी जी ये सिचुएशन तो देख के चले गए, अभी कैसा करें, क्योंकि साउथ इंडियन के बहुत ही कड़क होते हैं डायरेक्टर, उनको एक बार जो सिचुएशन फिक्स हो जाती है फिक्स हो जाती है। मैंने कहा इनको आसमा भी चाहिए, तारे भी चाहिए, झिलमिल भी चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक मुखड़ा है, वो मुखड़ा इस तरीके से था, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते, अगर आसमां तक। तो सर ये गाना काफ़ी चला, आज भी वो गाना चल रहा है। और एक बात से मैं आपसे सहमत इसलिए हूँ कि नया सिंगर था उस वक्त, यानी सोनू निगम का एज ए सिंगर, जैसे कहते हैं ना कि मेरा खुद का गाना जैसे होता है ना, बाकी उन्होंने वर्जन बहुत गाए थे, रफ़ी साहब के गाए थे, अताउल्ला खां के गाए थे, पर एज ए फिल्म में जो उनका पहला गाना था खुद की आवाज़ का, वो यही गाना था सोनू निगम जी का। तालियां बजाया। तो ये बात हो गई म्यूजिक की। और मैं एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले हमें संगीत में जो वाबस्ता है, क्योंकि अभी जो हमारा फिल्म लाइन का हिंदी का जो हाल हो रहा है म्यूजिक का, हर कोई मुझसे एक ही सवाल पूछता है, सर 90 के दशक का 60 के दशक का म्यूजिक आज सुनाई नहीं दे रहा। उनका मेन रीज़न ही है सर, ना तो उनके पास शब्द हैं, ना उनके पास कंपोजिशन है, सिर्फ हल्ला है और साउंड है। वो साउंड ढक चिक जो चल रहा है वो है। अब ले दे के अगर हम लोग कहीं फंसते हैं तो पंजाब का सहारा लेना पड़ता है, पंजाबी फोक लेना पड़ता है, उससे वो फिल्म को बचा के हम लोग। और इसी बात के लिए आई थिंक बंटी बाजी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जो इतना अच्छा लिरिक्स दे रहे हैं और बड़े बड़े म्यूजिशियंस को उन्होंने खड़ा किया। आई थिंक ये हम सब इसको एक बात से एग्री करते हैं दिलीप सेन साहब की कि हमें बहुत पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत सहारा लेना पड़ता है, चाहे वो बॉलीवुड फिल्म हो, बड़ी से बड़ी फिल्म हो, ताकि उस फिल्म को कमर्शियल फिल्म को और बड़ा करा जाए। जी मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ सर। मेरी फिल्म आ रही थी अर्जुन पंडित, जिसका एक गाना हिट हुआ था, मेरा दिल ले गई ओए कमों की धर। आपने देखा वो सनी देओल ने पहली मरतबा डांस किया। अब वो थी जिद्दी फिल्म, तो अर्जुन पंडित आए तो सनी जी ने मुझे बुलाया, बोला दिलीप जी मेरा एक डांस का गाना हो रखी है। तो उस वक्त गुलशन कुमार जी थे, हमारे दिलेर बाजी जो कि किंग ऑफ क्या कहते हैं जो पॉप एल्बम के थे, दिलेर मेहंदी साहब, उस वक्त उनका मतलब वो जस्ट लाइक शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जी थे। गुलशन जी ने बोला यार इनका गाना डालना है, तो उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कहा कि दिलीप भाई गाना कंपोज करो। तो मैं अपनी बता रहा हूँ, ये किस्सा इसलिए बताना चाह रहा हूँ, दिलेर जी से मिलने के लिए मुझे 4 जगह जाना पड़ा। पहली मीटिंग के लिए उन्होंने पूना बुला लिया, यानी पहली मरतबा कोई म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर से मिलने जा रहा है। ये अहमियत देखिए कि कलाकार इस मुकाम पर होना चाहिए। मैं पूना मिलने गया, सर आज तो अपनी सीटिंग में नहीं बैठ सकते। फिर उन्होंने बोला नासिक आ जाओ, फिर नासिक चला गया। फिर आखिर में मैंने कह दिया, मैं बोला प्रभु जी ऐसा मत करो यार, उम्र वाला हो गया, वहाँ से घुमाते रहोगे तो गाना पता चला निकल जाएगा, पिक्चर रेडी पड़ी है गाना। तो उन्होंने कैसे करके समय दिया, फिर हम दोनों ने मिलकर गाना कंपोज किया, ओए ओए वो कुड़िया शहर दिया ओए। तो आप यकीन मानिए अर्जुन पंडित को चलाने में 2 गानों का काफ़ी हाथ रहा है, एक ओए ओए कुड़िया शहर दिया, और एक जावेद अख्तर साहब ने वो गाना लिखा था। सिचुएशन ऐसी थी कि क्लाइमैक्स में सर फाइट चली और उसमें गाना चाहिए, और अपना डायरेक्टर HS रवेल साहब जो राहुल रवेल, अब वो तो इंग्लिश टाइप के डायरेक्टर, बोले आई वांट द सॉन्ग। मैं बोला सर गोलियां खा रहा है अगला, उधर से वो गोली मार रहा है, इधर फाइट चल रही है, गाएगा कौन। बोला गाने की जरूरत नहीं है, मुझे गाना चाहिए। तो फिर जावेद साहब ने वो बोल लिखे, आपने लिखा ना शब्द प्रधान, वो गाना हमारा ऐसा था, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल मुश्किल है कहाँ जाए कोई। तो इस तरीके से तो ये दो गाने मेरे अर्जुन पंडित के काफी हिट रहे। अब मैं एक खास चीज आपको बताने जा रहा हूँ जो अमूमन कोई संगीतकार नहीं बता देता कि हमारी जिंदगी में, जैसे आपने कहा ना कि संगीत के स्वर कहाँ है, जो हम बोलते हैं ना सारे गमा पधनी सा, तो संगीत शास्त्र के हिसाब से सा जो हमारे नाभि से निकलता है, रे हमारे हार्ट से निकलता है, सेंटर से है, माँ कंठ से है, प होठों से है, ध तालू से है, नी यहाँ से। अब जरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, जरा यहाँ हाथ लगाइए आप सब लोग, ऐसे नाक पे हाथ लगाइए, आप भी लगाइए ना बंटी जी, आप तो सुपरस्टार हैं तो लगाइए, आप लोग भी लगाइए ना, उसमें पैसे नहीं लगने। अब सब लोग मेरे साथ में बोल, आप फोटो खींचिए, अच्छे लगेंगे। अब सब लोग बोलिए नी, वाइब्रेट हो रहा है। अब बोलिए सा, वाइब्रेट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि इन स्थानों से स्वर निकलते हैं। तो जो मैं बताया ना सृष्टि की रचना हुई तो संगीत से हुई, ये सब एक काफ़ी लंबा भाषण है, मैं उतना नहीं टाइम बोलूँगा आपको। तो संगीत बहुत ज़रूरी है, और अगर आप प्रॉपर सीखते हैं, अब सीख के अगर इसमें आते हैं और जानकारी हो, तो मुझे लगता है कि आप भी बंटी जी की तरह बहुत जल्दी सक्सेस होंगे। और हमें तो ये हमारा कल का सुपरस्टार, आज भी सुपरस्टार है, और कल के हमारे, यानी हमें खुशी इस बात की है कि हमारी जो गति हम छोड़ के जाना चाह रहे हैं उसमें आपका, हमारे उत्तराधिकारी हैं ये। और कम से कम हमें फख्र से ये कह सकेंगे कि भैया आज ऐसा कोई बंदा हमें मिला पंजाब में, चंडीगढ़ में, जिसकी विरासत को देखते हुए ये नहीं लगता कि हम लोग जैसे जो छोटे मोटे कलाकार हैं वो सिर्फ अपना नाम लेके चले जाएंगे। पंडित जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आपने जैसे कि कहा, आपका क्रक्स ये था कि पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ ज़रूरी है। आई थिंक अगर हमें कमर्शियली एक राइट मिक्स बेचना है, तो अजय सर यू नो आप आज की जो डिमांड है, आई थिंक आप लोग एक सेकंड, मैं जरा आप लोगों से जरा पूछना चाह रहा हूँ, जबकि मैं भी बच्चों की तरह सवाल लेके, क्योंकि काफ़ी देर से आप जो बोली थी ना OTT फिल्म में आ जाएगी, बहुत अच्छा मीडिया है, और कहीं ना कहीं हमारे जज्बातों को छेड़ता रहता है वो। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ पहले सुन लीजिए, मैं खुल के नहीं बता पाऊंगा। जज्बातों का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, और आज की डेट में मैं नहीं चाहता हूँ कि बिना अंकुश के कोई चीज़ परोसी जाए, जिसको हम कहते हैं ना कि साफ सुथरा करके साफ प्लेट में अगर कोई चीज़ आप पेश करेंगे वो चलेगी, क्योंकि इसलिए OTT को सबसे पहले एक अंकुश लगना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर यही बात दोबारा से दोहराना चाहूँगी कि OTT का जो डेफिनेशन है वो बदल गया है। मैंने फैमिली क्यों जोड़ा साथ में, इसीलिए क्योंकि से लगाया नहीं जाता कुछ, तो खुद को, इंसान को भी खुद प्लस माइनस देखना पड़ेगा। कहानियाँ तो आप वैसी ले लेते हैं ना, हम देखना भी चाह रहे हैं या ये नहीं देखना चाहते। मैं माफी चाहूंगा, मैंने ऐसे ऐसे बड़े सुपरस्टार आज की डेट में, जिसको अभी जो अपकमिंग में सुपरस्टार है उसका नाम ले लूं क्या? नहीं, मैं फिल्म उसने OTT की है, तो वो ऐसी फिल्म थी कि मैं माफी चाहूंगा, और सुपरस्टार दोनों, तो मुझे देख के बड़ी तकलीफ हुई। मैंने फर्स्ट टाइम देखा, जबकि मुझे नहीं मालूम कि OTT फिल्म है। मैं बोला यार ये गलती से वीडियो किसने भेज दिया, ये गंदा मेरे को, ये आदमी को अकल नहीं है। फिर किसी ने बोला नहीं ये भेजा नहीं, आपको ट्रेलर भेजा है। मैं बोला ऐसा ट्रेलर है? तो कहीं ना कहीं सर ये मेरी पर्सनल आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आगे अगर हम इस समाज को आगे कुछ देना चाहते हैं, जैसे कि कल परसों हमारे फेस्टिवल में ऐसी कुछ बात चल रही थी, जो काफ़ी लोगों ने कहा कि हमें ड्रग के अगेंस्ट लड़ना है या और बातों के लिए लड़ना है, तो उसी हिसाब से जो थोड़ा बहुत जो अंकुश वाला पार्ट है अगर वो आप स्ट्रांग रखेंगे। सो मैं इसमें एड ऑन करता हूँ सर, अच्छी बात कही आपने, ये चीज़ हमने भी फील की थी जब हमने चौपाल लॉन्च किया था। तो अगर आप चौपाल देखेंगे, जिन्होंने भी आई थिंक डाउनलोड किया होगा, तो सर ये आई थिंक दुनिया का पहला OTT ऐप होगा जिसमें आप कोई भी यूनिटी सीन, कोई भी सेक्सुअल सीन, इवन के हम गाली गलोच से भी परहेज कर रहे हैं। बिकॉज पंजाबी में अगर आप देखेंगे, बंटी पर यहाँ बैठे हैं, ये बैठकर बता सकते हैं, थिएटर में ये चीज़ें आज तक हमने कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं की सर। मालूम गैरी बाजी बैठे हैं, ये भी आई मीन इस चीज़ को हम सब लेके चलते हैं साथ में। यही चीज़ हमने OTT पे भी हम लेके हैं। बहुत हम किसी भी पंजाबी फिल्म में, इवन मैं एक एग्जांपल दूंगा छोटी सी आपको, हमारी वेब सीरीज है जिला संगरूर, जिसको हम्बल मोशन पिक्चर्स ने बनाया था, गिप्पी गरेवाल जी ने बनाया था। तो उस सीरीज को लेके हमारी एक महीना बहस चलती रही कि इसमें किस सीन डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप तो ओटीटी वाले हैं, आप तो डाल सकते हैं, फिल्मों में नहीं होता, अब यहाँ तो आप बेनिफिट ले लीजिए, इससे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इससे बहुत पैसा आएगा, ये सब चीज़ें होंगी। बट संदीप बंसल जी, मैं और हमारी सारी कंटेंट टीम का यही कॉल था कि हम ये चीज़ पंजाब में अपने ओटीटी पे नहीं होने। क्या बात है, बेशक सब्सक्राइबर हमें लेटर ऑन आते रहेंगे, हमारे कंटेंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसको देख के सब्सक्राइबर खुद ना खुद आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ हमने कैरी फॉरवर्ड नहीं की। और इवन इन भोजपुरी सिनेमा अब हम वेब सीरीज बना रहे हैं, आप भोजपुरी जो हमारी वेब सीरीज देखेंगे आपको उसमें भी ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अक्सर अभी ओटीटी पर थोड़े फन रिलेटेड जैसे ऑफिस और सारा भाई वर्सेस सारा भाई जैसे शोज नहीं होते थे। अभी हम लोग एक शो लेकर के आ रहे हैं, द मॉर्निंग शो। सिर्फ उसी कॉमेडी सेंस और सॉफ्ट कॉमेडी को लेकर के क्लीन, बिल्कुल वो हमारी प्रेफरेंस थी, ताकि हम उस तरीके के शोज को भी वो जगह दें और वो फैमिली के साथ बैठे। जैसे एक मैं चाहूँगा आपसे रिक्वेस्ट करना कि बहुत अच्छा चला था सीरियल ऑफिस था जी जी सब टीवी पर, वो ऐसा था कमाल का सब्जेक्ट, पता नहीं उन्होंने पंकज कपूर साहब का, देखे मतलब कोई ऐसी कहानियां नहीं लेके आते थे, मगर नॉर्मल जो जिंदगी से जुड़ी हुई सी बातें, जो पंकज जी ने उसको सुधारा, जो काम किया, कमाल है साहब। अब मैं आपको एक चीज़ नहीं सुनाने जा रहा हूँ सर, आपके संगीत से आप शर्मा बहुत नहीं कह पाते, मैं बोलिए संगीतकार तो मेरी तरह थोड़ा तो रो। आप लोग बोलते हैं कि जैसे जो रैप सॉन्ग बनते हैं वो बाहर से आए हुए हैं जो गाते हैं ना, जैसे पहले हमारे वो पटेल रैप करके आया था, बाली ब्रह्मट आया था, फिर बाद में हमारे ये आ गए, क्या नाम, हनी सिंह जी आ गए। अब किसी को ये नहीं मालूम कि संगीत जो है दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान के अलावा कहीं पैदा नहीं हुआ है। आज मैं आपको वो चीज़ सुनाने जा रहा हूँ जो अमूमन मुझे नहीं लगता किसी को याद है। आप लोगों ने शिवतांडव सुना होगा सबने, जटा कटा है संभ्रम में भरमंडलिम पनीर जरी विलोल विच्छवल रिवी राजमान मुर्दनी धगत 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 वलल ललाट पट्ट पावक किशोर चंद्रशेखर रति प्रत्यक्ष नंबर में, ये होगा शिव तांडव। अब पहली मरतबा मैं आपको सुना रहा हूँ हनुमान तांडव। ये उस वक्त किस्सा है, राइटर ने जब लिखा इसको कि जब अहिरावण राम जी को, लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले गए, तो हनुमान जी को पहली मरतबा गुस्सा आया और उन्होंने लात मारी, तो पाताल लोक में मतलब सुराग हो गई, उसी के जरिए वो वहाँ पाताल लोक पहुँचे। तो उस वक्त के कवि की कल्पना है कि हनुमत की लपेट दिलंगूल की चट दिल दुष्ट को दपेट चा लपेट चा कला न बजे न कचरा तत हो तो खटाखट वीर से न फटाफट पटी पटी मार अभी को हकिल लगा रखिल जू हो लगा पड़ी भेड़ बिल लगा गड़े रख सनिता तह तेज को कुमार करी गो बेसमा वीर लखन को मारे झुकी जारी के रवा तन सीताराम को उजारू रघुवंश को हो अन यारो जरे तेज मा को न को रघुकुल मंडल प्रचंड बैरी दल मंडल दल न उमंड न सपंड नायक लोगो। ये मैंने शॉर्ट इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको याद रहे। अब आ जाइए इसमें, हमारे हनी साहब को बुला लीजिए आप। तूने मुझे देखा नहीं, मैंने तुझे देखा नहीं, चाय भी पिलाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा, चुपकी से तुझे तो बिस्किट खिलाऊंगा, फिर माँ बहन की जैसे भी वो प्यार वाले। तो यहाँ से इसमें कुछ भी डाल सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं छंद। और आपको मैं बता दूं कि फिल्म लाइन में संगीतकार बनने से पहले मैं बेसिकली कथक डांस मास्टर हूँ, और एक संगीत जो शब्द है वो तीन चीज़ों से बनता है, गायन, वादन, नृत्य। इन सब चीज़ों को आप समावेश करोगे, एक करोगे, तब जाके टाइटल बनता है संगीत। तो संगीतकार को इन तीन चीज़ों का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिहाज से भी हमारा ग्रंथ कहता है। तो बस यही मैं इतना ही कहना चाहूँगा। क्या बात, थैंक यू।